गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। आज जो हमारा ब्लॉग बनने वाला है वो है जो हमारी लक्ष्मी दीदी हैं उनकी जो पोस्टिंग है जिला बलरामपुर यूपी में, और इनकी जो तहसील पड़ती है वो तुलसीपुर पड़ती है। यहाँ से जो जो नेपाल बॉर्डर है वो बिल्कुल पास में है, 25 किलोमीटर है। आज हम उसे आपको दिखाएंगे। ये देखिए कितनी ग्रीनरी के बीच हमारी दीदी रहती है। यहाँ का जो वातावरण है बिल्कुल बारिश होती रहती है लगातार, अब भी बहुत ज़्यादा बादल छाए हुए हैं। तो आज हम आपको दिखाते हैं, नेपाल बॉर्डर की तरफ चलेंगे और बस बने रहेंगे। और अब हम चल दिए हैं दीदी के मकान से, और ये हमारे प्रवीण भैया हैं जो तुलसीपुर से ही हैं, इन्होंने हमारे लिए गाड़ी कराई है। इसी से जाएंगे नेपाल को? हाँ, इसी से जाएंगे। हम तो भाई से ही बोल रहे हैं, आप भी चलिए। बिल्कुल चलेंगे, नेक्स्ट टाइम आपको पोखरा लेके चलेंगे घुमाने के लिए, प्रॉमिस। काठमांडू पोखरा, तो फिर वहाँ मजा आएगा, बहुत अच्छी अच्छी जगह है। अभी तो यहाँ केवल बॉर्डर पे जा रहे हैं घूमने, उसके बाद फिर पूरा नेपाल घुमाएंगे आप। ठीक, चलिए भविष्य बैठ जाइए। भविष्य तेरा स्कूल से भविष्य कहाँ जा रहे हो? और कितने घने जंगलों के बीच हम नेपाल बॉर्डर की तरफ जाते हुए, ये देख। आपने देखा ये लास्ट चेक पोस्ट थी इंडिया की। और यहाँ पर वन्य जीव वालों की यहाँ पर चेक पोस्ट लगा हुआ है, चेकिंग चल रही है। ये देखिए कितनी ग्रीनरी है, कितनी शानदार। ये देखो जंगलों के बीच में होकर अभी चेक पोस्ट मिली थी हमें, थोड़ी बहुत हमसे पूछताछ की और उसके बाद हम अब आ गए और निकल पड़े। चल चुके हैं नेपाल बॉर्डर। ये देखिए वहाँ पर SSB लगी हुई है, ये जो आप देख रहे हो ये नेपाल बॉर्डर है। थोड़ा मन आया कि हमें चला, और हम प्रवेश कर चुके हैं नेपाल में। वो जो पीछे आप देख रहे हो वो बॉर्डर था, वहाँ पर वीडियो बनाना थोड़ा बजट था। ये देखिए ये नेपाल की पहली दुकान, पहली चाय। और ये देखिए हम अंदर जा चुके हैं, और ये रंग बिरंगे पत्थरों के बीच से गुजरते हुए जो आप सामने देख रहे हैं ये हमारा पर्वतराज हिमालय, बिल्कुल तलैटी में हम पहुंच चुके हैं। ये देखिए छोटा सा गांव है इधर, बिल्कुल गरीबी है, इतना ज़्यादा विकसित नहीं है अभी नेपाल इंडिया के बराबर। ये देखो मैं तुम्हें दिखा दूँ ये गांव के बिल्कुल बीच से गुजरते हुए, ये देखो ये नेपाल का फर्स्ट गांव पड़ता है, जैसे हम कोयलावास बोलते हैं। और ये बिल्कुल घनी आबादियों के बीच मठ मंदिर या नेपाल का प्रथम गाँव है उसमें ये मंदिर बना हुआ है। ये देखिए ये हनुमान जी का मंदिर है नेपाल में, नेपाल के प्रथम गाँव में बना हुआ है। ये देखिए नेचर देखिए आप, और ये तो है।
देखिए एक नदी है और बिल्कुल फिर खड़ी चढ़ाई है और फिर सीधे काठमांडू की तरफ ये रोड निकल जाता है। हम सिर्फ यहीं तक ये पर हाँ ये जो आप देख रहे हो ये है होटल नारायणी। इधर क्या कहते हैं नेपाल की फर्स्ट होटल है। इधर ये देखो आपको दिखाते हैं नदी दिखाते हैं। अभी तो फिलहाल ये सूखी हुई है बहुत ज़्यादा पानी बहुत बहुत कम। ये हिमालय की थोड़ा इस नदी के नीचे उतरने की कोशिश करते हैं। बनी हुई है नहीं नहीं कोई नहीं आ रहा। अब हम आ चुके हैं बिल्कुल नदी में और अब हम चलेंगे इस नदी के बिल्कुल बीचों बीच। चलते 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 उधर एक बहुत अच्छा क्या कहते हैं ब्रिज है उस पर पहुंचेंगे नेपाल की तरफ। अम्मा सावधानी से चलना तू। चलो ये देखो छोटा सा प्यारा सा झरना झरता हुआ है इधर। चलिए 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 आप कब आए थे हैं अब बताइए कब आए थे आप। जाएंगे ऊपर उस ब्रिज पे और जो अभी हम आए थे ये बिल्कुल जंगल के बीचों बीच वो नदी थी उस पर आए थे। चलते हैं सीढ़ियों के ऊपर से उस पर के ऊपर। ये देखिए अब हम चलते हैं ये ऊपर टावर है बहुत सीढ़ियां हैं चढ़ाई है जंगल के बीचों बीच। चलते हैं ये देखिए ये सीढ़ियां ही सीढ़ियां हैं ये ऊपर टावर बना हुआ है बिल्कुल पर्वत पर। चढ़ते चलिए पहुंचते चलिए मंजिल की तरफ। और ये जंगल के बीचों बीच से ये सीढ़ियां जाती हुई ऊपर बहुत भयंकर चढ़ाई है। अम्मा पीछे रह गई है और यहाँ पर एक थोड़ी सी छोटी सी शॉप है उस पर थोड़ा कीमत पूछते हैं। बड़े चिप्स कितने की है 6 रुपए का। तो ये नेपाल का इंडिया का और नेपाल का कितना लोग है बिल्कुल शानदार पूरा ग्रीनरी। ये देखिए पूरी चारों तरफ हरियाली छाई हुई है और हिमालय पर्वत के ऊपर हम चढ़ते हुए नानी को चलिए जी चलते चलिए अभी तो और चढ़ाई पड़ेगी भाई। ये छोटी छोटी दुकान बनी हुई है इधर। ये फिर इधर रास्ता जा रहा है आइए जी कहाँ रह गए। ये देखिए बिल्कुल हमारा पर्वत थोड़ा प्यारा लगता हुआ क्योंकि थोड़ा बरसात ऋतु है इसी के कारण यहाँ पर पेड़ हरियाली पर आ गए हैं। ये देखिए इस टावर के ऊपर चढ़ेंगे चलते ऊपर थोड़ी
हमारी सांस फूल रही है क्योंकि बहुत ज्यादा चढ़कर आए हैं ना, इसीलिए चलते हैं। अबे से आराम से चढ़, गिर मत जाना, आराम से चलना। बकड़ी भी आ रही है तुम्हारे साथ में। और हम चढ़ गए बिल्कुल टावर के ऊपर। हम और रोहित सबसे पहले आए हैं। मैं आया हूं। यहाँ से आपको ग्रीनरी दिखाते हैं, इतनी शानदार। सांस फूल रही है। ये देखिए, ये वो पुल है जहाँ पर हम अभी फोटो क्लिक कर रहे थे। बड़ी अच्छी जगह है। वो हमारा इंडिया है। और अब एक गांव के बिल्कुल बीचों बीच से हम निकलते हुए, ये यहाँ के मकान है बिल्कुल कच्चे। ये देखिए बिल्कुल कच्चे मकान बने हुए हैं। एक दुकान पे हम कोल्ड ड्रिंक का वो बताते हैं आपको। ये देखिए 180 कटके 160। और ये तो ना लीटर देखिए आप, 1.5 लीटर। अपने अगर हिंदुस्तान की बात करें तो इधर 80 की आती है और 2 लीटर की आती है। इतना तेजा ही है बिल्कुल। ये दुकान से फिर भी मैंने ये हाउस और ये बिस्किट वगैरह लिए। हमारे इंडिया की करेंसी यहाँ पर बहुत तेज़ है, जैसे कि 1.5 में चलता है हमारा 1 रुपीज़, यहाँ का 1.5। फिर भी हमारे लिए ये बहुत तेज़ है, जैसे इसकी MRP है 56, तो ये हमारे लिए 70 रुपीज़ की है। बताइए कितना घपला चल रहा है। अब ये जो बिस्किट है हमारे यहाँ से 5 रुपये का आता है, इन लोगों ने हमारे लिए 8 रुपये का दिया। कोई नहीं, भूख लगी तो लेना पड़ेगा। थोड़ा इसका स्वाद चखते हैं फिर आगे बताते हैं। आओ भविष्य, इतना हल्दीग्राम को दमाता है दर्द। ये देखिए ये जो बसेज आप देख रहे हो, ये इधर नेपाल बॉर्डर के इधर की तरफ खड़ी हुई हैं। और वो आप जो देख रहे हो वो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है। ये जो बसेज खड़ी हुई हैं ये अंदर नेपाल में जाने के लिए खड़ी हुई हैं। जैसे कि आप आइए इंडिया की तरफ से, आप उधर उधर जाइए, फिर आप अपना चेक कराइए पोस्ट में, उसके बाद इस बसेज में बैठाइए और अंदर नेपाल की तरफ चले जाइए। ये कुछ प्राइवेट गाड़ियां हैं जो भी हैं, ये जो वेट कर रही हैं, ये कर रही हैं जो उस बॉर्डर से तरफ से आने वाले अपने परिजनों के लिए। ये देखिए लौट कर हम आ चुके हैं अपने फिर एक बार इंडिया की तरफ। ये देखिए आपको थोड़ा दिखाता हूँ। और अब हम अपने इंडिया में प्रवेश करते हैं। बाय बाय नेपाल। और बड़ा अच्छा लगा नेपाल में आकर, के लोग सीधे हैं, अच्छे हैं। और ये देखिए ये गेट को पार करते हुए, और ये जो जगह है ये नेपाल की है, और ये जो मैं आया हूँ ये अपने हिंदुस्तान में आ गया। इस प्रकार अपने इंडिया में आ चुके हैं। थैंक यू। और हम आ चुके हैं अपनी गाड़ी पर, ये खड़ी हमारी गाड़ी। अब चलते हैं अपने घर पे। थैंक यू। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।